हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एसआरए की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ चुके थे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 हमने पढ़ लिया था, काफी डिटेल में पढ़ लिया था। और यदि अभी तक आपने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है स्पेसिफिक रिलीफ ऐप की, आप वहां जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। आज की जो क्लासे है वो है थोड़ा सा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जो है सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 33। ठीक है, जो हम अभी सेक्शंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने देखा होगा सेक्शन 26, 27 से 30 और ये 31 से 33, ये सेक्शंस आप लोगों को लगते हैं सिमिलर, सिमिलर नहीं बोल सकते लेकिन आइडेंटिकल, मतलब एक दूसरे के समान से लगते हैं लेकिन काफी डिफरेंसेस हैं। यदि हम इसको बहुत डीप में जाएं, काफी डिफरेंसेस हैं। 26 जो सेक्शन है वो बताता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार की गलती है तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा। 27 से 30 बताता है कॉन्ट्रैक्ट का विखंडन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का खत्म किया जाना। एंड जो हमारा आज का पॉइंट है वो है इंस्ट्रूमेंट का कैंसिलेशन, की इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल किया जाना। देखिए, आपको लगा होगा 26 और 31 से 33 में क्या डिफरेंस है। 26 में बात हुई थी रेक्टिफिकेशन की, कोई गलती है तो उसे थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए। और जो हम 31 से 33 पढ़ रहे हैं वो है कैंसिलेशन, की इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। आ जाइए स्क्रीन पे, हम देखते हैं वेयर एक्ट में। सबसे पहले सेक्शन 31 देखिए। सेक्शन 31 क्या होता है, ये चैप्टर 5 में डिफाइन क्या बोल रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट का कैंसिलेशन का ऑर्डर कोर्ट कब देगा। एक इंस्ट्रूमेंट के कैंसिलेशन का ऑर्डर कोर्ट कब देगा, इसके अंदर पढ़िए। कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक ए नाम का पर्सन है, उसको ऐसा लगता है कि यार ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्या है मेरे खिलाफ, क्या है, वॉइड है, मतलब व्यर्थ है या वॉइडेबल है। आपको वॉइड void और वॉइडेबल का डिफरेंस तो समझ में आ गया। वॉइड मतलब जीरो वैल्यू है, वॉइडेबल मतलब जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट ये इंस्ट्रूमेंट वॉइडेबल है वो क्या कर सकता है, या तो इसको अफर्म भी करवा सकता है या इसको रिजेक्ट भी करवा सकता है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आएगा कि कौन पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा कैंसिलेशन की। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम आर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है, इज वॉइड और वॉइडेबल, पहला पॉइंट ही बोल गया। सेकंड पॉइंट, एक इंसान जो एक पर्सन है उसको लग रहा है, एप्रिहेंशन, डर लग रहा है कि यदि इंस्ट्रूमेंट को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, यदि मैंने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया, बिना कैंसिलेशन करे हुए छोड़ दिया, तो ये मुझे क्या करेगा, सीरियस इंजरी पहुंचा सकता है। अब आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट, एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट क्या है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट क्या है, वॉइड है या वॉइडेबल है, या एक दूसरा वही पर्सन उसको ऐसा लग रहा है कि यदि मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को बिना कैंसिल करे हुए छोड़ दिया, मतलब कोर्ट में जाकर मैंने इसको कैंसिल नहीं करवाया, तो ये इन फ्यूचर मुझे क्या कर पहुंचाएगा, सीरियस इंजरी पहुंचा सकता है ना। तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा कि सर प्लीज इसको क्या कर दो, एडजस्ट कर दो इस इंस्ट्रूमेंट को, या तो वॉइडेड या वॉइडेबल, और कोर्ट का क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वो पर्सन एंटाइटल नहीं है इस चीज के लिए, ये सिर्फ कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। यदि कोर्ट को लगता है कि हाँ वाकई में इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया जाना चाहिए, कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट क्या कर देगा, कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट को करवा देगा कैंसिल, ठीक है। 31 समझ में आ गया होगा, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ऑर्डर कोर्ट कब देगा। अब आ जाइए इसके जो एसेंशियल्स हैं अलग से हम देख लेते हैं, ठीक, और जो भी केस लॉस है। क्वांटिकॉन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस वज्रम एलॉयज लिमिटेड में क्या कहा था, जो हमने इंजरी पढ़ी ना, सीरियस इंजरी, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्सन को एक्चुअल इंजरी हो जानी चाहिए या किसी पर्सन ने उस पर अटेम्प्ट कर दिया मतलब करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है उसको क्या है, रीजनेबल एप्रिहेंशन, मतलब जस्ट डर है, तो यही लिखा हुआ है इस केस में, कहा था इट वॉज हेल्ड दैट एक्चुअल इंजरी और अटेम्प्ट टू इंजरी इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन एन एक्शन अंडर दिस सेक्शन, बट रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सीरियस इंजरी इज नेसेसरी, नेसेसरी वर्ड इज रीजनेबल एप्रीहेंशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आप देखिए, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट इस तरीके के होते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट इस तरीके के होते हैं जिनको क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रार भी तो कुछ इसके प्रोसेस लिखता होगा। आप यदि जज हैं, फॉर एग्जांपल आप जज हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से रजिस्टर्ड है, यदि आप जज उसको क्या करवा रहे हो, वॉइड और वॉइडेबल करवा रहे हो, तो रजिस्ट्रार को तो पता होना चाहिए ना, रजिस्ट्रार को उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो क्या कहा इस सेक्शन में कि यदि रजिस्टर्ड है वो डॉक्यूमेंट किसी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के किसी प्रोविजन के तहत, तो कोर्ट की क्या ड्यूटी है कि वो जो डिक्री है वो किसको भिजवाएगा, उस ऑफिसर को भिजवाएगा जिस ऑफिसर के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट क्या रजिस्टर्ड था। पढ़ते हैं, तो
इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द कोर्ट शैल ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर इन हूज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन सो रजिस्टर्ड। केस पे पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड। कथैया पिल्लई वर्सेस रामास्वामी पिल्लई में कहा था, कोर्ट हेल्ड दैट दैट द कोर्ट टू सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द रजिस्ट्रार एंड प्लेंटिव नीड नॉट टू प्रे ऑफ इट। ये कोर्ट की ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, या फिर इट इज द ड्यूटी टू सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द रजिस्ट्रार, नॉट कि प्लेंटिव को जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए प्रे करे, प्लेंटिव नीड नॉट टू प्रे फॉर इट। फिर एक केस था वैली वर्सेज गल्लू भाई, इसमें क्या कहा था कि जो सेक्शन 31 है उसे एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम किया जा सकता। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करे या नहीं करे। इन द केस ऑफ प्रेम सिंह वर्सेस बीरबल इट वॉज हेल्ड दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स इज वैलिड। देखिए क्या होता है, कोर्ट की प्रिजम्पशन रहती है कि जो भी डॉक्यूमेंट उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, और यदि कोई पर्सन ऐसा बोलना चाह रहा है कि नहीं ये इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड है, ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 1 पढ़ा होगा आपने इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर जाएगा जो बोल रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। आई होप सेक्शन 31 आपको याद हो गया होगा। रिवाइज कर देते कि एनी पर्सन जिसे ये लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है उसके अगेंस्ट वॉइड है या वॉइडेबल है। सेकेंड पॉइंट, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज लेफ्ट आउटस्टैंडिंग तो क्या कर देगा, इसको सीरियस इंजरी कॉज कर देगा। तो कोर्ट में जाके बोलेगा कि सर प्लीज इस डॉक्यूमेंट को या तो वॉइड करार कर दो या वॉइडेबल करार कर दो, और ये क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन। ठीक, आई होप समझ में आ गया। अब आ जाइए सेक्शन 32 क्या कहते हैं। सेक्शन 32 ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि कोई पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, रिसेस कर सकते हैं, रेसेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सेम है यहाँ पे 32 बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को पार्शियली कैंसिल किया जा सकता है। तो हमको पता ही है कि एक इंस्ट्रूमेंट है एक इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो क्या है, वो डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस बताता है। उसका एक पार्ट डिफरेंट राइट्स बताता है और उसका दूसरा पार्ट दूसरे डिफरेंट राइट्स और ऑब्लिगेशंस बताता है। तो ठीक है, यदि कोर्ट में कोई एक पर्सन जा रहा है कि सर आप इस पार्ट को रिस्काइन कर दीजिए, मतलब इस पार्ट को आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए इस इंस्ट्रूमेंट के पार्ट को, तो कोर्ट क्या कर देगा, यदि कोर्ट को सही लगता है कि हाँ ठीक है ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं, एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, तो कोर्ट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा और जो सेकंड पार्ट है उसको अलाउ कर देगा कि हाँ ठीक है कंटिन्यू रहने दो। तो पढ़ लेते हैं, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ आर डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस, द कोर्ट मे इन अ प्रॉपर केस कैंसिल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेसिड्यू। बैलेंस बचा है उसके लिए बोलेगा कि हाँ ठीक है आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए, अदरवाइज जो पार्ट है कैंसिल कर दिया उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, केस क्या था, इन द केस ऑफ खूब सिंह वर्सेस जहनलाल द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 32 इज एप्लीकेबल वेयर द राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन वेयर द राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। की यदि ड्यूटी और राइट्स क्या है डिस्टिंक्ट और सेपरेट है तो ही कोर्ट पार्शियल इंस्ट्रूमेंट का कैंसिलेशन करवाए। ठीक है, आई होप सेक्शन 31 एंड 32 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी समझ में आए आप जाकर स्क्रीन पर या जैसे दोबारा आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 देखो लगता है सिंपल है, लेकिन सिंपल ही है लेकिन थोड़ा सा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, स्क्रीन पर देखिए ए है बी है, ए कोर्ट में जाकर बोल रहा है, ए ने इससे 10,000 रुपए लिए और बी ने भी कुछ ले लिया, इसे मान लीजिए 2-3 हज़ार रुपए ले लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत। अब कोर्ट में ए जा रहे हैं, ठीक है, 1 तारीख को इन्होंने एग्रीमेंट करा है, 4/2022 को, इसने 10,000 दिए थे, इसने 2,000 दिए थे, कोर्ट में ये जा रहा है कि सर आप प्लीज क्या कर दीजिए इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दीजिए। तो कोर्ट बोलेगा हाँ ठीक है कैंसिल तो कर देता हूँ, लेकिन तू क्या कर, तूने 10,000 रुपए का बेनिफिट भी तो लिया है इससे, और बी से भी बोलेगा कि तूने 2,000 रुपए का बेनिफिट लिया है इसे, आप दोनों एक दूसरे को जितने जितने पैसे लिए दिए है ना, जितना जितना बेनिफिट लिया गया उसको क्या कर दो, रीस्टोर कर दो। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता ही है, ये क्या कहलाता है, रेस्टिट्यूशन कहलाता है, कि पार्टीज को उन स्थितियों में दोबारा लाना, उन परिस्थिति में दोबारा लाना वो जब है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे थे,
1/4/2022 को, ना इसने इससे 10,000 लिए थे ना इससे 2,000 लिए थे, लेकिन 1/4/2022 के बाद इन्होंने इसको 10,000 दिए, इन्होंने इसको 2,000 दिए, तो कोर्ट बोलेगा कि कैंसिल तो कर दूंगा लेकिन वापस उन्हीं परिस्थितियों में तो लेकर आऊंगा। तूने इससे, अब ये माना जाएगा ना कि ना तूने इसको 10,000 दिए ना तूने 2,000 दिए, अब लिए दिए हैं तो आप ही, जिसने जितने लिए हैं जिसने जितको दिए हैं उतने उसको वापिस कर दो। पढ़ लेते हैं सेक्शन 33। देखिए क्या लिखा हुआ है, पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल्ड और सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है या उसको वॉइड और वॉइडेबल करार कर दिया जाता है। क्या लिखा हुआ है, ऑन एडजस्टिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू रिस्टोर ऑल द बेनिफिट्स। कोर्ट क्या करेगा, पार्टी को बोलेगा कि आप प्लीज जितने भी बेनिफिट्स आपने लिए हैं आप उनको क्या कर दो, रिस्टोर कर दो। अब से यही ये बात है कि डिफेंडेंट, ठीक है, स्पेसिफिकली ऊपर तो क्या कहा, पार्टी, पार्टी मीन्स कोई भी हो सकता है, चाहे प्लेंटिफ हो और चाहे डिफेंडेंट हो। ठीक है, लेकिन सेकंड पॉइंट स्पेसिफिकली डिफेंडेंट के लिए कहा है कि यदि डिफेंडेंट, यदि डिफेंडेंट सक्सेसफुली रजिस्ट हो जाता है किसी सूट को कि भाई ठीक है कोर्ट उसके फेवर में सूट को बोल देता है ठीक है मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्या बोल दिया जाएगा ये पढ़ते हैं कि व्हेन द इंस्ट्रूमेंट सॉट टू बी एनफोर्स अगेंस्ट हिम इन द सूट इज वॉइडेबल। फर्स्ट पॉइंट में कि यदि सूट वॉइडेबल हो उसके अगेंस्ट तो कोर्ट क्या बोल देगा, डिफेंडेंट को आप प्लीज सारे बेनिफिट रिस्टोर कर दो। तो 32 के 2 के ए में है वॉइडेबल, वो भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट वॉइडेबल है। कोर्ट क्या करेगा, डिफेंडेंट को बोलेगा आप सारी चीजों को, सारा जो भी बेनिफिट है उसको रिस्टोर कर दो। और सेकंड पॉइंट में लिखा है वॉइड, कि यदि एग्रीमेंट क्या है उसके अगेंस्ट वॉइड है। अब उसके अगेंस्ट वॉइड क्यों है, क्योंकि वो क्या था, कॉम्पिटेंट नहीं था। आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि वो क्या नहीं था, कॉम्पिटेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब भी क्या होगा, कोर्ट क्या बोलेगा कि प्लीज आप क्या करो, डिफेंडेंट आप इसको क्या कर दो, सारे बेनिफिट्स को रिस्टोर कर दो। देखो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्ट केस सुना भी होगा, उसके अंदर क्या कहा था, एक पर्सन छोटा पर्सन था लेकिन उसने क्या करा था, छोटा मतलब एज, हाइट में छोटा नहीं, एज में छोटा पर्सन था, वो मेजर इंसान नहीं था। अब उसने क्या करा, उसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट किसी एग्रीमेंट में एंटर हो गया फ्रॉड करके कि यार मैं तो बड़ा हूँ मेजर हूँ, फिर लेकिन अब बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये तो मेजर था ही नहीं। ठीक है, मेजर था ही नहीं, तो वो जिस पर्सन उसके मेजर होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ तो इसको तो नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पर्सन जो मेजर नहीं है लेकिन फ्रॉडली मेजर बनकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, वो तो ये बोलेगा कि मैं तो मेजर था ही नहीं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल था ही नहीं, तो मैं इसको सारे बेनिफिट क्यों वापस लौटाऊं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ऑफ इनिशियो था, लेकिन सेक्शन 32 का, 32 का क्लॉज 2, सेक्शन 32 का क्लॉज 2 अब बोलता है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो, चाहे सॉरी एग्रीमेंट वॉइड हो, चाहे एग्रीमेंट क्या हो, एग्रीमेंट वॉइड हो, क्यों वॉइड है, क्योंकि जो डिफेंडेंट था वो क्या था, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था, मेजर से मेजर नहीं था, तब भी आपको सारे बेनिफिट क्या करने पड़ेंगे, रिस्टोर करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर के रेस्टिट्यूशन के लिए बोलता है, माइनर पर्सन को बोल रहा है कि आपने बेनिफिट ले लिया, आपने चाहे मेजर बनके, फ्रॉडली मेजर बनके बेनिफिट ले लिया, चाहे वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, चाहे वो एग्रीमेंट था, वॉइड ऑफ इनिशियो था, लेकिन आपको सारे बेनिफिट क्या करने पड़ेंगे, रिस्टोर करने पड़ेंगे। पढ़ लेते हैं माइनर एंड रेस्टिट्यूशन प्रेजेंट पोजीशन अंडर सेक्शन 33 वेयर आर डिफेंडेंट। ठीक है, वेयर फ्रॉडुलेंट माइनर हैज रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ मेजर एंड हैज टेकन बेनिफिट फ्रॉम अदर पार्टी, देन प्रेजेंट पोजीशन इन इंडिया रिगार्डिंग लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन इज एज फॉलोज। If a minor goes to court for cancellation, the court on adjudging the cancellation requires the minor to restore all the benefit if he received. In the case of Gokhale Rao versus Vishwanandan Bhimaiah, 1956 का केस था, this section embodies the principle that he, the person who seeks equity must do equity. देखिए वही सेम बात है कि एक पर्सन कैंसिलेशन के लिए जा रहा है, कोर्ट बोलेगा कि आप कैंसिलेशन के लिए तो चले जाओ, ठीक है, लेकिन आपने जो इनसे बेनिफिट लिए हैं आप उनको वापस तो करो, तो यदि आप इक्विटी चाहते हो तो इक्विटी तो करो। और सेक्शन 65 में भी दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।